नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो कल हम उपन्यास की रिवीजन कर रहे थे जिसमें हमने सिर्फ 49 प्रश्न किए थे, तो आज उससे आगे देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो जहाज का पंछी इनका है, पर्दे की रानी इनका उपन्यास है, ऋतु चक्र भी इनका उपन्यास है, लेकिन व्यतीत इनका उपन्यास नहीं है। तो ये किसका है? ये जनेंद्र का उपन्यास है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं था? तो वो कौन है? वो जनेंद्र है। हमने कई बार पढ़ लिया है कि वो एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सभी को पता होगा, ये यशपाल हो जाएंगे। इन सभी उपन्यासों एवं उपन्यासकारों की सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला उपन्यास है दादा कामरेड, तो ये किसका हो जाएगा? दादा कामरेड ये हो जाएगा यशपाल का, ठीक है। अमृत और विष हो जाएगा अमृतलाल नागर का। चित्रलेखा किसका है? चित्रलेखा हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का, और पर्दे की रानी हो जाएगा इलाचंद्र जोशी का, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दादा कामरेड किसका है? यशपाल का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। चित्रलेखा इम्पोर्टेंट है, भगवती चरण वर्मा का है। पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। आगे है, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सूरदास की जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? अमृतलाल नागर हैं, और उस उपन्यास का नाम क्या है? खंजन नयन। क्या है? खंजन नयन। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है महाकाल, ठीक है, महाकाल नाम से एक उपन्यास है जिसमें बंगाल के अकाल के बारे में बताया गया है, तो ये महाकाल उपन्यास इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो ये सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, ये हो जाएगा मानस का हंस, और ये भी लिखने वाले कौन हैं? अमृतलाल नागर। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के बारे में सत्य है? तो क्या सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि भी होते हैं, तो ये भी सत्य है। इसका मतलब क्या है कि उपरोक्त सभी कथन आंचलिक उपन्यास के बारे में सत्य हैं। आगे है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? तो यहाँ पर हो जाएंगे कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। कौन हो जाएंगे? फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। जिन उपन्यासों में से इन निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो कौन सा हो जाएगा? मैला आंचल। कौन सा हो जाएगा? मैला आंचल। कौन सा कथन असत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, तो ये सत्य है। चारु चंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है, तो ये तो बिल्कुल असत्य है, ठीक है। इसके बाद है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, तो ये भी सत्य है। लेकिन जो चारु चंद्र लेख है वो यशपाल का उपन्यास नहीं है, तो किसका है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है, ये भी ध्यान रखना है। इस बात के लिए आप बिल्कुल भी पजल मत होना कि NCERT लेखक पढ़ने हैं, जो NCERT में लेखक हैं तो वो हिंदी साहित्य का ही हिस्सा ना, तो हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उन लेखकों के उपन्यास भी हमारे सामने आएंगे। कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ भी NCERT के लेखक आएंगे, लेकिन जो बुक्स में दिए हुए हैं उसकी हम अलग से
वीडियो, वैसे बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, लेकिन आज मेरी कोशिश रहेगी कि एक मैराथन क्लास हो जाए। लेकिन आपने कमेंट में ये बताना है कि आपने पूरे पूरे लेखक को पढ़ना है या फिर क्वेश्चन आंसर के द्वारा ही आपने सब चीज़ें पढ़नी हैं, तो ये प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो यहाँ पर अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। लेकिन दिव्य यहाँ पर किसका हो जाएगा? यशपाल का हो जाएगा, ये NCERT में हमने पढ़ा हुआ है। राग दरबारी के रचनाकार कौन हैं? तो राग दरबारी के रचनाकार हो जाएंगे श्री लाल शुक्ल जी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो यहाँ पर शिवपालगंज सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? तो ये की गई है राग दरबारी में, ठीक है। तो ये की गई है राग दरबारी में। इन सूचियों को फिर से सुमेलित करना है। आधा गांव किसकी रचना है? तो इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगी राही मासूम रज़ा की। अलग अलग वैतरणी हो जाएगी शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। पानी के प्राचीर, ये हो जाएगा राम दर्श मिश्र का, ठीक है। और रतिनाथ की चाची, इम्पोर्टेंट है, ये नागार्जुन का उपन्यास है। आगे हमारा प्रश्न है, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यहाँ पर राग दरबारी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो यहाँ पर श्री लाल शुक्ल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? तो मोहन राकेश का जो उपन्यास है वह है न आने वाला कल, ठीक है। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो निर्मल वर्मा के उपन्यास भी आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कौन सा नहीं है? लाल टीन की छत, उखड़े हुए लोग, एक चिथड़ा सुख, ये सारे निर्मल वर्मा के हैं। वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है, ठीक है। आपका बंटी, ये तो सभी जानते हैं, किसका हो जाएगा? मन्नू भंडारी का। महाबोझ किसने लिखा है? तो ये भी मन्नू भंडारी का हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं जिनको आपको सुमेलित करना है। तो कुरु कुरु स्वाहा, ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है, मनोहर श्याम जोशी का है कुरु कुरु स्वाहा। रुकोगी नहीं राधिका, ये उषा प्रेमवदा का है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसका हो जाएगा? धर्मवीर भारती का हो जाएगा। चांदनी के खंडर गिरधर गोपाल का है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे अपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये किसकी रचना है? 55 खंभे लाल दीवार, यहाँ पर उषा प्रेमदा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाएगा, चित्त कोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो ये मृदुला गर्ग का है, अच्छे से ध्यान रखना है। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? नरेश मेहता का कौन सा हो जाएगा? यह पथ बंधु था, ठीक है। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? शेखर एक जीवनी। तो यो अगेय के बारे में ही, अगेय के जीवन के बारे में ही, शेखर एक जीवनी, और अगेय ही उसका जो नायक है। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा सही हो जाएगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो ये सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है, पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? सोया हुआ जल के
उपन्यास के लेखक हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा बाबा वटेसरनाथ। है किसका? नागार्जुन का है ये। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो मृणाल हो जाएगी त्यागपत्र की पात्र। तो त्यागपत्र है किसका उपन्यास? जनेंद्र का है, आप सभी को पता होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? तो यहाँ पर मैलांचल, प्रतीप, परिकथा, दीर्घ तपा, ये सारे ही फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो यहाँ पर मैलांचल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा उपन्यास जशपाल का है? तो यहाँ पर दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, ये सारे ही किसके हैं? ये यशपाल के उपन्यास हैं। फिर सुमेलित करने हैं प्रेमचंद, मतलब कौन सा जुगम अलग है? निम्नलिखित में से गलत जुगम को चुनना है। प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास है रंगभूमि, ठीक है। भीष्म साहनी का तमस है। राही मासूम रजा का आधा गांव है। सूरज का सातवां घोड़ा कमलेश्वर का नहीं है, तो यहाँ पर ही गलत हो गया। ये सभी को पता है कि ये किसका उपन्यास है, ठीक है। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? तो यहाँ पर महाश्वेता देवी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राजेंद्र यादव सही आंसर हो जाएगा। बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? तो ये हो जाएगा सुमंगल प्रकाश का, ठीक है। दीक्षा उपन्यास आधारित है, किस पर आधारित है दीक्षा उपन्यास? तो ये राम कथा पर आधारित है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है, ठीक है, ये एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से असत्य युगम को फिर से चुनना है। इलाचंद्र जोशी का पहला ही गलत है। इलाचंद्र जोशी का सुनीता नहीं है, सुनीता तो जनेंद्र का है, ठीक है। त्यागपत्र जनेंद्र का सही है। अज्ञेय का अपने अपने अजनबी, वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, तो ये बाकी सारे सही है। इलाचंद्र जोशी का सुनीता नहीं है, सुनीता भी जनेंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये सभी को ध्यान रखना है, सोजे वतन को। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गबन की हो जाएगी, ठीक है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा प्रेमचंद का। श्यामा स्वपन उपन्यास के लेखक कौन है? श्यामा स्वपन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर जगमोहन सिंह सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगल सूत्र। आगे है, प्रेमचंद का वैश्य समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सेवा सदन। कौन सा हो जाएगा? सेवा सदन। सती माया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर भैरव प्रसाद गुप्त सही आंसर हो जाएगा। मन वृंदावन उपन्यास के लेखक कौन है? मन वृंदावन, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए, तो नरेश मेहता यहाँ पर सही आंसर है। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो ये तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ना ध्यान हो। तो मित्रों मरजानी किसका उपन्यास है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोक्ति। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? तो नागार्जुन का जो आंचलिक उपन्यास है इम्पोर्टेंट है, रतिनाथ की चाची है, ठीक है। आगे ये पहले के निशान लगे हुए थे तो आप बस एक बार ध्यान में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ किसकी है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? तो जो सेवा सदन उपन्यास है वो 1918 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि 1925 में, कर्मभूमि 1933 में और गोदान 1936 में, ठीक है।
आगे गोदान का प्रकाशन काल पूछा है तो 1935 लिखा है, लेकिन मैं 1936 ही सही मानूंगी। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लम्ही गांव में हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। कौन सा उपन्यास पांडे वेचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो अधखिला फूल यहाँ पर पांडे वेचन शर्मा का नहीं है। चतुर सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें है? तो आलमगीर उपन्यास किसका है? चतुर सेन शास्त्री का है। जितने भी नाम उपन्यास के हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। हमें नहीं पता कि पेपर बनाने वाले के दिमाग में क्या होगा, कैसा पेपर बनाएगा, लेकिन सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कौन सा उपन्यासकार बुंदेलखंड का है? तो वृंदावन लाल वर्मा बुंदेलखंड से संबंधित हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इलाचंद्र जोशी ने। इनमें से कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने मिलकर लिखा है? तो एक इंच मुस्कान ऐसा उपन्यास है जिसे पति पत्नी ने मिलकर लिखा है। इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं, मैलांचल। यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? तो ये झूठा सच में है, ठीक है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम चित्रित हैं? तो ये हो जाएगा निर्मला। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृष्ण जीवन का महाकाव्य है? तो वो है गोदान। नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम है? तो ये हो जाएगा प्रेमचंद। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है? तो ये हो जाएगा चित्रलेखा। इनमें से कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया था? तो वो हो जाएगा चंद्रकांता। सन याद रखना है 1888 में, और ठेठ हिंदी का ठाठ 1889 में। उसके बाद दिल्ली का दलाल 1927 है, सेवा सदन 1918 है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? चंद्रकांता। कर्णटो के जीवन पर आधारित रांगे राघव के उपन्यास का नाम कब तक पुकारूं? कब तक पुकारूं, ठीक है। आगे है टोपी शुक्ला, इनमें से किस लेखक की कृति है? तो ये हो जाएगा राही मासूम रजा। ये एनसीईआरटी में भी है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा सही आंसर हो जाएगा। खंजन नयन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी है? तो ये हो जाएगी सूरदास की जीवनी, 1981 में रचित है, ठीक है। उसके बाद आ गया त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित है? तो नारी मनोविज्ञान पर, ठीक है। और जनेंद्र का ये उपन्यास है। सुख दुख उपन्यास के रचयिता अमृत राय हो जाएंगे, ठीक है। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक इनमें से कौन से हैं? रांगे राघव। कौन? रांगे राघव, 1958 में ये रचित हैं। क्या आप उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये मनोहर श्याम जोशी की, 2001, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास किस वर्ग के उपन्यास हैं? वृंदावन लाल वर्मा के, तो ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं। शेखर एक जीवनी वस्तुत किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? तो ये अगे स्वयं के उसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है, मतलब अगे ही इसका नायक था। जिनेंद्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा परख, क्योंकि ये 1929 में रचित है। उसके बाद है सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939। मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? तो ये भी हो जाएगा त्याग पत्र। झूठा सच का प्रकाशन 1960, ठीक है। झूठा सच का प्रकाशन दो बार प्रकाशन हुआ है, एक बार 1960 में हुआ है, ठीक है, और एक बार 1958 में। भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है? तो ये तमस, 1973। जिप्सी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इलाचंद्र जोशी हो जाएंगे, 1952।
कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? तो अंधेरे बंद कमरे 1961। ठीक है, चंद्र और सुधा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये गुनाहों का देवता के पात्र हैं, चंद्र और सुधा 1949। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास के नाम हमने पढ़े हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और एक बार ये ज़रूर बताना कि आप जो NCERT की मैराथन चाहते हो वो क्वेश्चन आंसर के द्वारा चाहते हो या फिर बुक से पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।